वेलकम बैक टू द व्लॉग। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी हम फिलहाल ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम ऋषिकेश जाएंगे और अभी हमारा रिवर राफ्टिंग का टाइम आ गया। हमने सुबह सुबह शेलॉन बैकपैकर्स स्टे के लिए बुक किया था, तो हमारी चेक इन सुबह 9 o'clock है। तो उससे पहले हम सोच रहे रिवर राफ्ट कर जाएँ, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है ऋषिकेश घूमने के लिए। तो हमारे साथ वही भैया हैं हरिद्वार से, सिद्धार्थ भैया, दीपेंद्र भैया और हनी भैया। मतलब हम निकले 3 जने थे पर हमारा ट्रिप 6 जनों का ही था, तो हर चीज़ हम साथ ही कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है रिवर राफ्टिंग में। ये ऋषिकेश वाला ब्लॉग बहुत ही एडवेंचरस होएगा और बहुत ही अच्छा होएगा, तो आप पूरा देखना। और बाकी हमारा जो स्टे है वो जस्ट गंगा के किनारे के पास है, तो आप देख सकते हैं क्या मस्त व्यू है। तो चलो कंटिन्यू करेंगे रास्ते से ही और आपको बताते रहेंगे क्या है, क्या सीन है, कैसा है। तो मिलते हैं फिर। यार हमारे साथ बहुत गलत चीज़ हो गया। अभी हमने एक इतनी मस्त कॉन्वर्सेशन करी थी रैंडम के साथ, बट वो चालू ही नहीं हुई। अब मैंने उनको हाई करा, उन्होंने हाई कर दिया। ये साला गांडू, मैं इसको हाई करता हूँ, ये हाई नहीं करता। देख रहे हो इस अननोन को, कैसा लग रहा है रक्षा रिवर आप से पहले? आपको कैसा लग रहा है हनी भैया? राइस और आपको ये भारी था। चलो यार बस अब देखे, ऐसा किसने धोखा कर दिया गोप्रो ने। इतनी मस्त कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी रैंडम के साथ, एक रैंडम ने हमको हाई कर दिया, पर ये इसको बोले निखिल कैसा लग रहा है, अभी नहीं है लेंडा कुमार। फाइनली राफ्ट के लिए निकल चुके हैं और यहाँ देंगे लेंगे की बातें चल रही है। बहुत ही सब एक्साइटेड है और हमें कहाँ बैठा रखा है, टट्टे के नीचे, तख्ते के नीचे। अरे ये जो हमें डुबोएगी या बचाएगी क्या है ये? चलो अब देखते हैं क्या सीन रहता है। बहुत ही एक्साइटेड है और डरे हुए हैं, थोड़े नर्वस तो हो गई। गंगा जी अंदर ही ले लेंगे। मंदाकिनी, मंदाकिनी है? अच्छा मंदाकिनी नदी, सॉरी हम पहले नाव कटके पकड़े थे भैया के चेहरे पे तो डर सामने दिख रहा है। भैया का डर पहले नाव ही कमाते हैं। भैया कह रहे कुछ छूटे तो छूटे, मैं नाव नहीं छोड़ूंगा, बाकी कुछ भी छूट जाए चलेगा। बचत तो कोनो पत्थर पड़ा ऐसा है, ये देखो अगर हम पकड़ा देंगे तो बता देंगे। आप इनका पकड़ लोगे तो देख के ही जाओगे नहीं। फाइनली हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और अब वो शुरुआत होने वाली है जिसके लिए हमने बहुत वेट किया। तो लेट्स गो, हमारी राफ्ट आ चुकी है, बस अब चालू होने वाली है। तब तक आपको थोड़े एंजॉयमेंटिक सिनेमेटिक्स दिखाते हैं। सब अब यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, बाकी कराओ तो इन भैया से ही करवाना, बहुत ही शानदार राइड करा इन भैया ने, मज़ा आ गया। अब मिलते हैं, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स हो जाए, तैयार व्यार हो जाए, हम अपने रूम पे जाएं, फिर वहीं जाके अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत थकान हो गई है। फाइनली गाइस हम सब रेडी हो गए हैं और थोड़ा थक से चुके हैं रिवर राफ्टिंग के बाद, बट अब थोड़ा 5 बजने वाले हैं, हम सब त्रिवेणी घाट के लिए निकलने वाले हैं। बस निखिल रेडी हो जाए, उसके बाद वो 2-3 भैया रेडी हो जाए, फिर हम निकलेंगे त्रिवेणी घाट और आपको मोस्ट पॉपुलर गंगा आरती, मोस्ट ट्रेंडिंग गंगा आरती दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत फेमस है। फेमस नहीं, वो वैसे भी देखने लायक है, क्योंकि गंगा आरती तो गंगा आरती है, बाकी मेरे पास और कुछ है नहीं अभी कहने के लिए। बट आपको मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, आपको अभी तक भी मज़ा आया ही होगा, अब आगे और मज़ा आने वाला है। तो इस व्लॉग को पूरा देखना और लाइक तो करना ही है आपको इस पूरी सीरीज़ में। आपने इस पूरी सीरीज़ को लाइक किया है तो इस व्लॉग को भी लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और इस व्लॉग के बाद अगर आपको पूरा बजट ट्रिप का वो चाहिए होगा, मतलब हमारा कितना खर्चा होगा, हमारा बजट ट्रिप नहीं था,
ऐसे कुछ कुछ जगह पे था बट ऐसे नहीं था, तो हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे, मतलब मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, तो आप बताना, आई होप आपको अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ की व्यू देखो, यहाँ का व्यू इतना शानदार है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। होपफुली आपको मेरे व्लॉग बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इनको अच्छे से अच्छा बनाने की, पर अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक्सपीरियंस जो हमने त्रिवेणी घाट पे किया था वो मैंने इस पूरी ट्रिप पे कहीं नहीं किया। केदारनाथ की बात अलग है, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट जो पॉजिटिविटी यहाँ थी वो नेक्स्ट लेवल थी। यहाँ लोगों का डांस करना रैंडम पीपल्स के साथ वो एक अलग ही था, एक प्रॉपर डिवोटी जो होते ना वही यहाँ थे सब। मेन जो गंगा आरती होती है वो यहीं होती है, यहाँ सब मतलब पंडित जी उधर बैठे हैं आगे, और यहाँ उन सबके स्टैंड है जहाँ सब पूजा करेंगे। बाकी ये हॉल है जहाँ से पब्लिक अटेंड कर सकती है गंगा आरती का जो भी एंजॉयमेंट होता है वो। बाकी मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट वायरल सुकून प्लेस जो इंस्टा पे चल रही है वो यही है, आज हम भी इसके दर्शन करेंगे, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट्स ही दिखाऊंगा। अब आपको वो एक्सपीरियंस कराने की बारी है जो हमने खुद वहाँ किया था, तो एक बार म्यूजिक ऑफ करेंगे और वहाँ की वॉल्यूम अप करेंगे। ये वाले शॉट्स और ये वाली गंगा आरती अटेंड करने को मिली होगी, मैंने ज़्यादा शॉट इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरे को भी ये इन्जॉय करना था, इसलिए जितने लिए उतने कम भी नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में ये देख लीजिए त्रिवेणी घाट का वो रहता है एन्जॉयमेंट। बाकी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये नसीब हुआ देखने को, बाकी आप लोग भी आइए और इस पर इन्जॉय कीजिए, जो आप यहीं देख सकते हो वो आप कहीं नहीं देख सकते। तो चलो इस व्लॉग सीरीज़ को एंड किया जाए, आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये व्लॉग सीरीज़, मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है इसको अच्छे से अच्छा एडिट करने की, और आपने भी इस व्लॉग सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, जितने लोगों ने देखा उन सबको मेरे लिए मेरी तरफ से थैंक यू। आपको ये व्लॉग सीरीज़ इतनी अच्छी लगी कि मेरे पास पर्सनली लोगों के कमेंट आए, रौनक तूने बहुत अच्छा किया, बहुत वेल इम्प्रूव किया है, तो उन सबको थैंक यू। मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए इन वीडियोज़ में, बट जितने भी कमेंट्स आए उन सब के लिए वापस से थैंक यू। तो इस व्लॉग को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। इसके बाद एक बजट वीडियो आएगी जिसमें मैं मेरे पूरे ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने कहाँ से क्या लिया, मेरे को कितना पैसा उन्हें देना पड़ा, तो उसके लिए भी वेट करिए, वो दो तीन दिन में आ जाएगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए।